हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का सिंगल कलर का पैटर्न ये लेकर के आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे चाहिए। इसके लिए हमने फंदे किस तरह से डालने वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो हमारा गैप है ये दो दो फंदे का ये बीच में गैप है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न हमारा 12 फंदे का है। तो जब भी हम फंदे डालेंगे तो ये देखें, 2 प्लस 12 प्लस 2, इस तरह से हमने फंदे डालने हैं, जितने भी फंदे डालेंगे। और एक एक हमने एच स्टिच रखा हुआ है। तो ये हमारे 14 के मल्टीपल प्लस 2, इस हिसाब से हमें फंदे चाहिए और एक एक एज स्टिच चाहिए। तो इसमें हमने फंदे डाले हैं 14 के मल्टीपल 3 कर कर 42 प्लस 2 44, और एक एक एज स्टिच तो 46। ये जो पैटर्न है 46 फंदों के साथ हमने बनाया है, और अब हम इसे 32 फंदों के साथ बना रहे हैं। इसमें हमने पैटर्न को 1 2 3 बार रिपीट किया, और इसमें हम अब इसे 2 बार रिपीट करेंगे। ये फर्स्ट रो है हमारी। फर्स्ट रो पर हमने क्या करना है, ये पहला फंदा हमने उतारा, ऊन आगे की, 2 फंदे उल्टे, ये हमारा ये वाला गैप है। फिर ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊन पीछे, 2 सीधे, फिर ऊन आगे, 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे, 2 सीधे, फिर ऊन आगे, 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊन पीछे, 2 सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे, ये एक एज स्टिच जो है अपना इसे सीधा बना लिया। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी सेकंड रो। सेकंड रो पर जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है, जैसे पर जैसा बनाना है, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे बनाएंगे, जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे। ये जो हमारे 8 पिछली तरफ से उल्टे बने थे ये सीधे बनेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा हमने बना लेना, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। अब ये हमारी थर्ड रो है। पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन आगे लाएंगे, ये 2 फंदे उल्टे ही बनाएंगे, ऊन पीछे, 1 फंदा सीधा। अब देखें, ऊन आगे, जाली के लिए ये हमने ऊन को आगे किया। अब ये वाला सीधा फंदा और इसके आगे ये उल्टा फंदा, 2 का 1 करना है हमें। ये देखें डायरेक्शन इनकी, राइट टू लेफ्ट, कि सीधा फंदा आगे रहेगा और उल्टा इसके पीछे चला जाएगा। अब ये देखें, 6 फंदे हमारे उल्टे, 2 3 4 5 6, फिर ऊन पीछे गई। अब ये 2 फंदों को हमने एक करना है, पर डायरेक्शन हमारी रहेगी लेफ्ट से राइट। फिर ऊन आगे, जाली के लिए, जाली आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, चाहे इस तरह से डालें चाहे इस तरह से ऊन को घुमा करके डालें, यहाँ जाली डालकर 1 सीधा फंदा। फिर आगे ऊन, ये 2 फंदे उल्टे, फिर पीछे ऊन, 1 फंदा सीधा, फिर आगे ऊन। अब ये 2 फंदे का हमने एक करना है, डायरेक्शन हमारी राइट टू लेफ्ट, सीधा फंदा आगे और उल्टा फंदा पीछे। फिर ऊन आगे, 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6, फिर ऊन पीछे। अब ये देखें, ये 2 का 1 कम करेंगे, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे, आगे ऊन, 1 फंदा सीधा, फिर आगे ऊन, ये 2 फंदे हमारे गैप वाले लास्ट के, ये उल्टे, ऊन पीछे, और ये हमारा सीधा फंदा एज स्टिच जो हमारा है।
अब हम आ गए रॉन्ग साइड पर, फोर्थ रो है हमारी। इस पर फिर से वैसा ही, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको हमने वैसा बनाना है। सीधे पर हमने सीधा बनाना है और उल्टे पर हमने उल्टा बनाना है, और ये जाली के बड़े जो फंदे हैं इनको भी हमने उल्टे बनाते जाना है। ये सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, जाली के बड़े फंदे भी हमने उल्टे बनाते जाने। अब ये हमारी फिफ्थ रो है। ये जो हमारा एज स्टिच है इसको हमने उतारा, ऊन आगे लाए, दो फंदे ये हमारे उल्टे, फिर ऊन पीछे, ये एक फंदा सीधा, ये जाली का बढ़ा हुआ फंदा भी सीधा, ये देखें दो सीधे हो गए, आगे ऊन। अब फिर से हमने ये दो का एक करना है डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, सीधा फंदा आगे और उल्टा फंदा पीछे। अब ये हमारे उल्टे फंदे रह जाएंगे चार, एक दो तीन और ये चार, फिर ऊन पीछे। अब ये दोनों को एक करना है, सीधा आगे और उल्टा फंदा पीछे। डायरेक्शन है इसकी लेफ्ट से राइट की तरफ, ये देखें, फिर ऊन आगे। अब ये जाली का बड़ा भी सीधा और इसके आगे वाला भी सीधा, एक और ये दो, ये सीधे। ये हमारा एक बार का पैटर्न है। फिर ये गैप के फंदे हमारे आ गए बीच में दो, फिर ऊन पीछे, फिर अभी इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। एक सीधा, ये जाली का बड़ा हुआ भी सीधा, आगे ऊन, ये दो का एक करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, आगे ऊन। अब ये चार फंदे उल्टे, दो तीन और ये चार, फिर ऊन पीछे। अब ये दो का एक करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊन आगे, दो ये सीधे, ऊन आगे, दो ये उल्टे, ऊन पीछे, एज स्टिच हमारा सीधा बन गया। देखें अब ये हमारे सिक्स थ्रो आ गई रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से हमने सिलाई वैसे ही बनानी है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, सीधे पर सीधे फंदे और उल्टे पर उल्टे फंदे। सिक्स थ्रो हमारी कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से। अब आ गई हमारी सेवन्थ थ्रो। सेवन्थ थ्रो पर एज स्टिच को हमने उतारा, ऊन को हम आगे लाए, ये दो फंदे हमने उल्टे बनाए, ऊन को हम पीछे ले गए। अब ये हमारे तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो और ये तीन, फिर हम ऊन को आगे लाए जाली के लिए। अब ये दो का एक हम करेंगे, सीधा फंदा आगे और उल्टा फंदा पीछे, फिर ऊन को हम आगे लाए। अब ये उल्टे फंदे हमारे बनेंगे दो, फिर ऊन पीछे ले गए। अब ये दो का एक करेंगे, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे, फिर आगे ऊन। अब ये तीन सीधे, एक दो और ये तीन, फिर आगे ऊन, दो उल्टे, एक और ये दो, ऊन पीछे। अब फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर ऊन आगे। अब ये दो का एक करेंगे, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे, आगे ऊन, ये दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर ऊन पीछे। अब ये दो का एक, फिर से फिर आगे ऊन, तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर ये आगे ऊन, लास्ट के ये दो फंदे उल्टे और ये एज स्टिच हमारा सीधा हम बनाएंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई सेवन्थ रो। अब आ गई हमारी एट्थ रो। ये फिर से वैसे ही बनेगी, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे, सीधे पर सीधे फंदे और उल्टे पर उल्टे फंदे। अब ये देखें, अब आ गई हमारी ये नाइन्थ रो। अब हमने क्या करना है, ये एज स्टिच हमने अपना उतारा, ऊन आगे की, दो फंदे उल्टे बनाए। अब हमारी जाली यहाँ पर डलेगी। अब इसको हमने ये शेप देनी है, ये देखें, ये हमने जाली डाली और ये हमने दो का एक कर लेना है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ,
दो का एक, तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन। अब ये दो उल्टे ऐसे ही सिंपल बनेंगे, आगे ऊन दो फंदे उल्टे पीछे ऊन। अब ये तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन। अब ये दो का एक करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इन दो फंदों के आसपास हमने जाली डालनी है, ये देखें ये जाली हमने डाली और दो फंदे उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, आगे हमारा सीधा फंदा है। या तो हम इसको इसी तरह से बना सकते हैं ऊन आगे रखकर, या इस तरह से घुमा करके जाली डाल सकते हैं। ये दो का एक हमने किया, फिर आगे तीन फंदे एक दो तीन सीधे, फिर ऊन आगे दो फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन। अब ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ऊन आगे की हमने इस तरह से घुमाया और ये दो फंदे उल्टे हमने बनाए, ऊन पीछे एस स्टिच को हमने सीधा बना लिया। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई, नाइन्थ रो। अब इसके बाद हमारी रॉन्ग साइड की रो है, टेंथ रो। अब इस पर ये देखेंगे अब हमने क्या करना है, इस पर ध्यान देंगे। ये हमने सीधे फंदे बनाए और अब हमने ये जाली का फंदा भी सीधा बनाना है इस तरह से। जो फंदे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा बनाना है। ये सीधे फिर उल्टे फंदे दो तीन चार। अब ये दो फंदे सीधे हैं और इसके आसपास हमारा जाली का फंदा है, तो इन चारों को हमने सीधा बना लेना है। इस सलाई पर हमने अब जाली से बने हुए फंदों को भी सीधा बनाना है। फिर हमारे उल्टे फंदे आ गए एक दो तीन चार, फिर ऊन पीछे की हमने दो सीधे एक दो, फिर ऊन अपनी तरफ की ये देखें एक दो तीन चार उल्टे, फिर ऊन पीछे की तीन ये सीधे बनाएंगे। हम जाली का बड़ा हुआ हमने सीधा बनाया, दो ये हमने सीधे बनाए और लास्ट में हमारा एज स्टिच है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी आ गई इलेवंथ रो। एज स्टिच हमने अपना सीधा उतारा, ऊन अपनी तरफ की ये देखें एक उल्टा ये दो उल्टे, और अब ये जाली का बढ़ा हुआ इधर से उल्टा, ये पिछली तरफ से हमने सीधा बनाया था, अब इस तरफ से ये उल्टा। अब हमने यहाँ पर फिर से जाली डालनी है, ये जाली हमने डाली और अब ये दो का एक करना है। अब ये दो फंदे सीधे एक और ये दो, फिर आगे ऊन की हमने ये दो उल्टे, फिर पीछे ऊन की हमने दो सीधे एक दो। अब ये दो का एक करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये देखें ऊन आगे ये जाली हमने डाली और ये चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार, ये दोनों तरफ से जाली का बढ़ा हुआ भी इसी में शामिल हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे, ये दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे आगे ऊन दो फंदे उल्टे पीछे ऊन दो सीधे एक दो, फिर ये दो का एक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ को। अब फिर से आगे ऊन जाली के लिए घुमाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे एक दो तीन, ऊन पीछे ये एज स्टिच, इसको हम सीधा बना लेंगे। इलेवंथ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी ट्वेल्थ रो। ट्वेल्थ रो पर ये देखें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, पर जो हमारे जाली से बड़े फंदे हैं उनको अब हमने सीधा बनाना है। ये देखें ये जाली का बड़ा है, इसे हमने सीधा बनाना है। ऊन आगे एक दो तीन उल्टे, ऊन पीछे दो सीधे एक दो, ऊन आगे एक दो तीन उल्टे,
ऊन पीछे, ये जाली का बढ़ा हुआ सीधा, बीच में ये चार और सीधे, फिर जाली का बढ़ा हुआ उसे भी सीधा बनाएंगे, तो ये टोटल 6 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये देखें जाली का बढ़ा हुआ, ये भी सीधा, आगे ऊन, फिर ये 3 उल्टे, 2, 3, फिर पीछे ऊन, 2 सीधे, फिर आगे ऊन, ये 1, 2, 3 उल्टे, फिर पीछे ऊन, ये जाली का बढ़ा हुआ इसे सीधा बनाएंगे, इसके आगे 1, 2, 3 और सीधे हमने बनाए, यानी ये 4 टोटल हमने सीधे बनाए, फिर अपनी तरफ ऊन, और लास्ट में हमारा एच स्टिच है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब हमारे ये 13वीं सिलाई है, 12 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 13th रो है, फर्स्ट फंदा हमने जो एच स्टिच है हमारा ये उतारा ऊन आगे की। अब ये देखें उल्टे बना रहे हैं हम, 1, 2, 3 और ये 4, 4 उल्टे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, ये ऊन को हम पीछे ले गए, इस तरह से घुमाया जाली के लिए। अब ये हमने 2 का 1 कर देना है राइट से लेफ्ट की तरफ। एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ लाएंगे, ये 2 उल्टे, फिर ऊन हम पीछे ले जाएंगे, एक सीधा, और अब ये 2 का 1 करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, ये जाली के लिए घुमाएंगे, और अब ये हमारे 6 फंदे उल्टे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ पर जाली डालेंगे, ऊन पीछे ले गए, इस तरह से घुमाया, ये 2 का 1 हमने किया राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 1 फंदा सीधा, ये 2 का 1 करेंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ऊन आगे की हमने, इस तरह से ऊन को घुमाया जाली के लिए। अब ये 4 हमारे उल्टे बन जाएंगे, 2, 3, 4, ऊन पीछे, एस स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये देखें ये 13th रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी 14th रो, 14वीं सिलाई, रॉन्ग साइड से। इसमें भी हम पहले की तरह जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, जाली के बढ़े हुए फंदों को हमने सीधा बनाना है। ये देखें 2, 3, 4 और ये जाली का बढ़ा हुआ भी सीधा बना लेंगे, 5। फिर ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अब ये देखें जाली का बढ़ा हुआ हमने सीधा बनाना है। अब यहाँ पर ये हमारे 8 फंदे सीधे हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जाली का बढ़ा हुआ 8। फिर हम ऊन आगे करेंगे अपनी, फिर 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, ये 2 ऊन पीछे। अब ये हमारे 5 फंदे सीधे बनेंगे, 1 ये जाली से बढ़ा हुआ और 4 ये, 2, 3, 4, 5, ऊन अपनी तरफ, ये एच स्टिच है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। अब ये हमारी 14th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी 15वीं सिलाई है, 15th रो है, एच स्टिच को हमने उतारा, ऊन को अपनी तरफ किया, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने उल्टे बनाए। अब हमने क्या करना है, ये अपने 4 फंदों को हमने ये डबल पॉइंटेड निडल पे उतारना है, ये 2 सीधे और ये 2 उल्टे, और इसको हमने पीछे कर देना है। अब हमने ऊन को पीछे ले जाकर, ये जो हमारी मेन सलाई में ये सीधे फंदे, इन्हें 2 को हमने बुन लेना है, ये 2 सीधे हमने बुन लिए मेन सलाई में से। अब आते हैं हमारे ये वाले 4 फंदे,
ये जो हमने डबल पॉइंटेड निडल में उतारे हुए हैं या कहें केबल निडल में उतारे हैं, इनको अब हम बनाएंगे, उनको आगे लाए। इसमें से हमने दो उल्टे बनाने हैं पहले, फिर उनको हम पीछे ले जाएंगे और दो को हम सीधा बना लेंगे, एक और ये दो। ये देखें इस तरह से ये हमने छह फंदों को ट्विस्ट कर लिया है। अब हम उनको अपनी तरफ लाएंगे और ये आठ फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे उल्टे। अब वही प्रोसेस हम अपना फिर से रिपीट करेंगे। ये देखें ये हमने उतार लिए फंदे चार, ये इस तरह से निडल को हम पीछे ले गए। अब मेन निडल के दो फंदे हमने पहले बनाने हैं सीधे, ये ऊन हम पीछे ले गए, ये एक और ये दो, ये हमने सीधे बना लिए। अब ऊन को हम आगे लाते हैं। अब ये हम अपनी सेकंड निडल के फंदे बनाते हैं जो हमने उतारे हैं चार, इनमें से पहले हम दो उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, फिर उनको हम पीछे ले जाएंगे, अब दो को हम सीधा बनाएंगे, एक और ये दो। अब उनको अपनी तरफ लाएंगे, इसमें हमारे पास पांच उल्टे फंदे हैं, अब हम इन्हें पांच को उल्टा बनाएंगे, दो तीन चार और ये पांच, फिर हम उन पीछे ले गए। अब ये हमारा एज स्टिच है, इसको हमने सीधा बना लिया। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई 15th। इस पर हमने फंदों को ट्विस्ट किया है। अब हम अपनी 16th सिलाई बनाएंगे रॉन्ग साइड से। अब फिर से हमारा वही पैटर्न चलेगा कि जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। ये देखिए एज स्टिच को हमने उतारा, अब ये एक दो तीन चार और ये पांच हमारे सीधे बन गए, फिर ऊन अपनी तरफ दो उल्टे, फिर ऊन पीछे दो सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ दो उल्टे, ये हमारे ट्विस्ट वाले फंदे हैं। फिर ऊन पीछे, अब ये हमारे यहाँ पर आठ फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर उनको हम अपनी तरफ लाए दो उल्टे, फिर उन पीछे ले गए दो सीधे, फिर उन अपनी तरफ लाए दो उल्टे, फिर उन पीछे ले गए, अब ये हमारे पांच फंदे सीधे और लास्ट का एच स्टिच अपना उल्टा बन जाएगा। ये पांच फंदे हमारे सीधे हो गए और अब हमने उनको अपनी तरफ कर एच स्टिच को उल्टा बना लिया। ये हमारी 16वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम 17वीं सिलाई पर आते हैं। अब ये देखें पैटर्न हमारा यहीं से दोबारा रिपीट होगा। ये जो हमारे ये बीच में आठ फंदे थे वो अब यहाँ पर आ गए हैं। पैटर्न फिर से यहीं से रिपीट होगा पर हल्के से फर्क के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले हमने ये इस तरफ चलाया था पत्ती को, अब हमने इस तरफ चलाना है, तो ये उल्टे फंदे एक एक कर इधर से कम होते जाएंगे। ये हमने एच स्टिच को उतारा, ये हमारी 17वीं सिलाई है, ऊन को अपनी तरफ लाए, ये एक दो तीन और ये चार हमने उल्टे बना लिए, फिर हम उनको पीछे ले गए। अब हमने दो का एक करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखें एक उल्टा फंदा पीछे गया, सीधा फंदा आगे, ये दो का एक हमने कर दिया। अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, उनको हमने आगे किया और ये फंदा हमने सीधा बना दिया, ये यहाँ पर जाली आ गई। ये वाला पैटर्न यहाँ से रिपीट शुरू हो गया। अब ऊन अपनी तरफ दो उल्टे, अब फिर से देखेंगे ऊन पीछे, ये एक सीधा, अब हमने जाली के लिए ऊन को आगे किया और ये दो फंदों को हमने एक करना है, सीधा फंदा आगे रहेगा और उल्टा फंदा पीछे जाएगा। ये देखें इस तरह से यही पत्तियां यहां से रिपीट शुरू हो गई। ऊन अपनी तरफ, अब यहां पर छह उल्टे बनेंगे, दो तीन चार पाँच और ये छ, फिर ऊन पीछे, अब ये फिर दो का एक हम करेंगे, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे,
ऊन आगे जाली के लिए और एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे दो उल्टे, फिर ऊन पीछे एक फंदा सीधा। ये जाली के लिए हमने ऊन को आगे किया और अब ये दो का एक करेंगे, सीधा फंदा आगे और उल्टा पीछे। अब ऊन आगे, ये चार फंदे उल्टे और एज स्टिच को हमने सीधा बना लेना है। अब ये हमारी 18वीं सिलाई है, इस पर हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, सीधे पर सीधे फंदे और उल्टे पर उल्टे फंदे। जाली से बढ़े हुए फंदों को अब हमने उल्टा बनाना है। जब हमने पत्ती की शुरुआत करनी है तो जाली के बढ़े हुए फंदे उल्टे बनेंगे, और फिर जब पत्ती का एंड करेंगे तो जाली के बढ़े हुए फंदे सीधे बनेंगे। अब हमारी 19वीं सिलाई है, एस स्टिच को हमने उतारा, ऊन को आगे लाए, अब हमारे तीन फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो और ये तीन। ऊन को हम पीछे ले गए, अब ये दो का एक हम करेंगे, सीधा फंदा आगे और उल्टा फंदा पीछे। फिर हम ऊन को आगे करेंगे जाली के लिए, अब ये दो हमारे सीधे हो जाएंगे, एक और ये दो। ऊन आगे दो फंदे ये उल्टे, फिर ऊन पीछे, अब ये दो फंदे सीधे, एक और दो। फिर ऊन आगे जाली के लिए, अब ये दोनों एक हो जाएंगे, ये उल्टा मिला करके सीधा फंदा आगे रहेगा और उल्टा पीछे जाएगा। ऊन आगे, अब ये देखें, एक दो तीन और ये चार उल्टे। फिर ऊन पीछे, अब ये दो का एक होगा, सीधा आगे और उल्टा फंदा पीछे। फिर आगे ऊन जाली के लिए और ये दो सीधे, एक और ये दो। फिर आगे ऊन उल्टे हो गए दो ये, फिर पीछे ऊन ये दो सीधे, जाली के लिए ऊन को हम आगे लाए, अब ये दो का एक हम करेंगे, सीधा फंदा आगे और उल्टा पीछे। अब आगे ऊन ये तीन उल्टे, एक दो तीन, ऊन पीछे, ये एस स्टिच को हमने सीधा बनाया और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी 19वीं सिलाई है। अब हमारी 20वीं सिलाई है, ये रॉन्ग साइड से, तो जो फंदा जैसा दिख रहा है इस पर हम वैसा ही उसको बना लेंगे, सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे, और जाली के बढ़े हुए फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब ये देखें, हमारी 21वीं सिलाई आती है। अब ये एस स्टिच को हमने उतारा, ऊन को हम आगे लाए, अब हमारे ये दो फंदे उल्टे बनेंगे, ये दो फंदे उल्टे। फिर ऊन पीछे, ये दो का एक होगा, सीधा फंदा आगे रहेगा। अब ये आगे ऊन और ये तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। फिर आगे ऊन ये दो फंदे उल्टे, फिर पीछे ऊन तीन सीधे, एक दो तीन। फिर आगे ऊन, अब ये दो का एक करेंगे हम, सीधा फंदा आगे रहेगा, अब ये हमारे दो फंदे हो जाएंगे। फिर पीछे ऊन ये दो उल्टे बन गए, अब ये दो का एक, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे। आगे ऊन तीन सीधे, फिर आगे ऊन दो उल्टे, फिर पीछे ऊन ये दो उल्टे के बाद पीछे ऊन तीन सीधे, फिर यहाँ पर जाली के लिए ऊन आगे और ये दो का एक, सीधा फंदा आगे उल्टा पीछे। फिर आगे ऊन ये दो उल्टे फंदे, पीछे ऊन ये एक सीधा फंदा, ये एस स्टिच। अब हमारी आ गई रॉन्ग साइड की सिलाई। अब इस पर जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही बना लेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। ये हमारी 23वीं सिलाई है। यहाँ तक का पैटर्न हमारा हो चुका है, अब हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट होगा। ये एस स्टिच को हमने उतारा, ऊन को हम आगे लाए, दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अभी तक हम इस तरफ दो का एक कर रहे थे, अब हम इस तरफ से दो का एक करेंगे। अब ये एक दो और ये तीन सीधे, अब ये दो का एक हमारा, ये देखें लेफ्ट से राइट की तरफ। अब यहाँ पर इन दो फंदों के आसपास हमारी जाली डलेगी, ये देखें आगे ऊन इस तरह से घुमाया उनको जाली के लिए, दो फंदे
उल्टे, फिर अब ये ऊन पीछे, क्योंकि आगे के फंदे हमें सीधे बनाने हैं, ये जाली के लिए ऊन को लपेटा और ये दो का एक, अब ये तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, आगे ऊन ये दो उल्टे, फिर पीछे ऊन ये तीन सीधे, एक दो और ये तीन, फिर ये दो का एक हम करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ डालनी है। अब हमने यहाँ पे आगे ऊन की ये घुमाया हमने जाली के लिए, ये दो उल्टे, फिर पीछे ऊन जाली के लिए ये घुमाया, अब ये दो का एक करेंगे हम, ये देखें, और अब ये तीन सीधे, एक दो और ये तीन, फिर आगे ऊन दो उल्टे, पीछे ऊन एक सीधा। अब ये आ गए हम रॉन्ग साइड पर, ये 24वीं सलाई है हमारी, 24th रो है। अब हमने इस पर, अभी तक हम जाली के बड़े फंदे को उल्टा बना रहे थे, बाकी फंदे जो जैसा दिख रहा था वैसा बना रहे थे, अब हमने क्या करना है, जाली से बड़े हुए फंदे को सीधा बनाना है। ये पीछे ऊन, ये जाली के बड़े हुए फंदे को सीधा, ये भी सीधे, बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसा, जाली से बड़े हुए को हम सीधा बनाएंगे, बाकी जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे हम वैसा बनाएंगे। अब हमारी 25वीं सलाई है, यह स्टिच को हमने उतारा, ऊन आगे दो उल्टे, ऊन पीछे, अभी हमारे दो सीधे बनेंगे, एक और ये दो, और ये दो का एक, आगे ऊन जाली डाली और ये चार उल्टे, एक दो तीन चार, फिर जाली डाली ये हमने, और ये फिर दो का एक करेंगे हम, अब दो सीधे, एक और ये दो, फिर ऊन आगे दो उल्टे, ऊन पीछे दो सीधे, एक और ये दो, और फिर ये हम दो का एक करेंगे, फिर आगे ऊन जाली डालेंगे, चार उल्टे, एक दो तीन चार, फिर पीछे ऊन जाली डालेंगे हम, दो का एक करेंगे ये, फिर ये दो सीधे, आगे ऊन दो उल्टे, और ये पीछे ऊन एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये राइट साइड की रो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है, अब इस पर हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, और ये जाली के बड़े हुए फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे, जो जाली के बड़े फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। अब ये देखें हमारी 27वीं सलाई है, एस स्टिच को हमने उतारा, ऊन आगे, अब ये दो फंदे हमारे उल्टे, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, और अब ये दो का एक, ये देखें, फिर जाली डालेंगे, ऊन आगे जाली डाली हमने, और ये अब हमारे छह फंदे उल्टे बनेंगे, दो तीन चार पांच और ये छह, फिर जाली डालेंगे हम, ये दो का एक करेंगे, एक सीधा, आगे ऊन ये दो उल्टे, फिर पीछे ऊन ये जाली के लिए हम, ओ सॉरी, ये पीछे ऊन एक सीधा, और ये अब दो का एक करेंगे हम। अब यहां पर हम जाली डालेंगे, ये आगे ऊन की जाली के लिए हमने घुमाया, छह हमारे उल्टे, दो तीन चार पांच और ये छह, फिर पीछे ऊन यहाँ पर जाली डालेंगे, ये घुमाया जाली के लिए, ये दो का एक किया, एक सीधा, फिर आगे ऊन दो उल्टे। ये राइट साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे, और जाली के बड़े फंदों को हमने सीधा बना लेना। अब ये देखें, एक बार ये हमारा पैटर्न ट्विस्ट करने के बाद और डल गया, अब हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है, ये मैं आपको करके बताती हूँ। अभी जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वो हम यहाँ तक बना लेते हैं, ये देखें,
ये हमने उतारा फंदा, ऊन आगे, ये दो उल्टे, ऊन पीछे, दो सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ, आठ उल्टे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब ये देखें, ये पैटर्न हमारा वही डल रहा है जो हमने फर्स्ट रो पर डाला था, पर यहाँ पर जब हमने शुरुआत की थी तो ये फंदे हमने ट्विस्ट नहीं किए थे, अब हमने यहाँ पर फंदे ट्विस्ट करने हैं। ये देखें, ऊन पीछे, अब हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है। ये चार फंदे हम उतारेंगे, ये उतार लिए हमने, और सलाई को हम पीछे ले जाएंगे। अब ये हमारे मेन सलाई के दो फंदे हमने सीधे बनाने, और अब हमने ये अपनी सेकंड सलाई के फंदों को बनाना है जो हमने उतारे थे। इसमें हमने आगे ऊन कर कर पहले दो उल्टे बना लेने, एक, और ये दो उल्टे, फिर ऊन पीछे ले जा कर के हमने दो सीधे बनाने, एक और ये दो, और बाकी फिर हमने आगे ऊन वैसे ही आठ उल्टे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऊन पीछे, दो सीधे, एक, दो, ऊन अपनी तरफ, दो उल्टे, और एस स्टिच को हमने सीधा बना लेना है। ये देखें, अब हमारी ये फर्स्ट रो से ही बुनाई फिर से रिपीट हो जाएगी। ये देखें, एक फ्लावर ये पूरा मैंने आपको डाल करके दिखा दिया है फ्रेंड्स। जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, ये देखें, तो इस तरह से ये लुक आने लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।